हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल के टू इंस्टीट्यूट। और मैं हूँ आपका दोस्त किशन गौर। तो आई होप आप सारे ठीक हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं जैक काउंसलिंग। अभी बच्चों ने जेई के एग्ज़ाम दिए हैं और हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर उनका जेई का रिजल्ट भी आ जाए। तो उसके बाद जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं या जो बच्चे चाहते हैं कि दिल्ली में एडमिशन हो जाए उनके इंजीनियरिंग कॉलेज में, बी टेक में या बी आर्च में, तो उनके लिए काउंसलिंग होती है जैक काउंसलिंग। ठीक है, अब जैक काउंसलिंग क्या है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फटाफट देखते हैं व्हाट इज़ जैक काउंसलिंग। ठीक है, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली के गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, जैसे आपका हो गया GTU, ठीक है, NCUT, ठीक है, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, इन कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको एक काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं जैक काउंसलिंग। ठीक है, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाकर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। नाउ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो जैक में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, ये वुमेन्स के लिए है। ओके, एंड नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IIIT दिल्ली। एंड उसके बाद आपका हो गया DSESU। ठीक है, अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको एक जैक काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली दिल्ली रेजिडेंट कैंडिडेट, यानी जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपनी स्टडी दिल्ली से करी है, ठीक है, उनके पास 85% सीट होती है। ठीक है, ऑफ सीट है ना उसके। और साथ साथ नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी NCT, ठीक है, जो बच्चे NCT के हैं वो भी जैक काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आउटसाइड दिल्ली रीजन आपके 15% कोटा है, यानी जो दिल्ली के आउटसाइड, मतलब जो दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट हैं, जैसे राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, उनके लिए यहाँ पे 15% कोटा है, यानी 15% इनको सीट मिलती है वहाँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, जनरल वालों के लिए बात करते हैं। और यहाँ पे दे रखा है BTech, एक कोर्स और ऐड कर देते हैं हम, BArch। ठीक है, तो अगर आपको इन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और किस कॉलेज में आपके हो गए, जैसे NSUT हो गया, DTU हो गया, IGD, TUW हो गया, DSU हो गया, तो अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो जनरल वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, तो 60% मार्क्स होने चाहिए उनके इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, ये क्लियर हो गई, 12th में 60% होने चाहिए। और यहाँ पर उसको इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें वो पास होना चाहिए, ये हो गया क्लियर। एंड जेई मेन्स, ठीक है, उन्होंने जेई मेन्स का एग्ज़ाम दिया हो, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब OBC की बात करें तो 55% उनके 12th में होने चाहिए, SC ST के 50%, PW की 50%, और EWS के लिए नो रिलेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं BTech एट IIIT दिल्ली। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, लिखा है कि 70% इन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग PCM, यानी 12th में आपके 70% होने चाहिए 5 बेस्ट सब्जेक्ट को मिला के। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन मैथ्स में इंडिविजुअली 70% चाहिए, यानी सिर्फ मैथ्स में 70% चाहिए, एंड जेई मेन्स का उसने एग्ज़ाम दिया हो, क्वालिफाई किया हो। अब 65% चाहिए OBC के लिए एंड 60% SC ST के लिए, और PW के लिए 60% एंड नो रिलेक्शन फॉर EWS, ये हो गया। नाउ अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या है। ठीक है, पहले वो क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये फीस 1500 है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये रिफंड नहीं किया जाएगा। और देन दूसरा स्टेप क्या है कि फिल द जैक दिल्ली एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे 2024 डाल दो, ये क्लियर हो गया। देन उसके बाद क्लिक द न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप क्या रहने वाला है, फिल योर प्रेफरेंस, लॉक योर चॉइस, फिर आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है, अपनी चॉइस लॉक करना है। तो इस तरीके से आपको जैक के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, जेई मेन्स की एडमिट कार्ड, ठीक है, क्लास 10 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्क सर्टिफिकेट, करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कलर होना चाहिए, एंड स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, एंड डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल। ठीक है,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब, ठीक है। और आप जो सही काउंसलिंग की वीडियो जो है मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, आप उसे भी जाके देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।